नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताती चलूं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता और मानहानि से जुड़ी कार्यवाही पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रिय पात्र रहे सावरकर का नाम लेने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें एक और मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ सकता है। शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, बीजेपी पर किसी भी हमले को व्यक्तिगत तौर पर हुए हमले की तरह ही ले रहे हैं। दरअसल शिंदे भी कानूनी चाबुक की पड़ने वाली मार से आशंकित है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनका सियासी भविष्य कैसा होगा। क्योंकि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से एक राह पर चल सकते हैं। इधर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान खंडपीठ ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच झगड़े से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी अनिश्चितता भी जारी है, और क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की सुविधा के साथ यथास्थिति बहाल हो सकेगी, क्या शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना करेंगे, क्या सदन को भंग कर दिया जाएगा और जल्दी चुनाव होगा, यह मौजूदा स्थिति ही बनी रहेगी। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी मुख्यमंत्री को हटा सकता है। अब राजनीतिक रणनीतिकार अमिताभ तिवारी ने लिखा कि आखिर सवाल का उत्तर हाँ है। अतीत में भी सत्तासीन मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट पद से हटा चुका है। मामला 7 साल पुराना है। 2016 की जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलिखो पुल को पद से हटा दिया था। वह 145 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके थे। पुल को पद से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति बहाल कर दी थी और साथ ही उनकी सभी निर्णयों को मान्य करार दिया था। हालांकि महाराष्ट्र का मामला बहुत ही जटिल और पेचीदा है, जिनसे संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है को फिर से चर्चा में ला दिया है। मामले में शिंदे खेमे के विधायकों ने दल बदल या अन्य किसी पार्टी में विलय नहीं किया और इसलिए शिवसेना होने का दावा भी किया। शिंदे गुट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मदद से विश्वास मत परीक्षण में भाजपा के साथ मिलकर बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की और अपना स्पीकर नियुक्त कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों गुटों और राज्यपाल द्वारा रखी गई प्रमुख दलीलों पर सवाल उठाए हैं। माना जा रहा है कि खंडपीठ का फैसला इन दो बिंदुओं पर टिका हो सकता है। हालांकि सीजेआई ने उद्धव गुट के सामने सवाल भी उठाया कि आपने विश्वास मत परीक्षण से पहले इस्तीफा क्यों दे दिया। कोर्ट की नजर में उद्धव ठाकरे का यह बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।